तो आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लोगो बनाना कि लोगो फोटोशॉप में कैसे बनाया जाता है। तो आपका कोई सा भी वर्जन हो, आप यहाँ जाएं, कीबोर्ड में जाएं, कंट्रोल एन करेंगे या फिर फाइल में जाएं, यहाँ से न्यू फाइल लेंगे। ये देखिए विच जो है 1920 करेंगे, हाइट जो है 1080 और रेजोल्यूशन 72। इसके बाद इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ हम लोग आएंगे टी टूल पे, यहाँ आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके जो भी लोगों का नाम है, जो भी आप लोगों बनाना चाह रहे हैं आपके कंपनी का, मैं फिलहाल अपने यूट्यूब का नाम बना रहा हूँ। तो मेरे नाम यूट्यूब का नाम है निधि नी वादी, तो शिफ्ट दबा के एन कैपिटल में दबाए। उसके बाद जो है मूव टूल पे जाएंगे, इसे थोड़ा बड़ा करेंगे। आप इस पे जितना प्रेस्टिक करेंगे उतना अच्छा बनेगा। जितना आप प्रेस्टिक करेंगे इतना होने के बाद अभी हम आएंगे टी टूल में। अब हम जाएंगे लेयर में। अब लेयर में जाने के बाद यहाँ से लेयर स्टाइल, अब ग्रेडिएंट ओवरले, अभी देखिए ये सेव बन के तैयार है मेरे, मैं बना के रखा हूँ। तो मैं इसको न्यू कर देता हूँ। आप भी अगर बना कोई रखे हैं तो न्यू कर दीजिए। आप दूसरा बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई कलर लेंगे, मान लो ये कलर ले लिए, ओके करेंगे। फिर यहाँ से एक कलर ले लिए, फिर ओके कर दिए। देखिए ये देखिए, यहाँ जो भी आप सेट करेंगे, जो भी लेना चाहेंगे वो देखिए इस तरह जो है आपका बनेगा। ठीक है, अब इसको ओके कर दीजिए। यदि यहाँ लाना चाह रहे हैं न्यू पे करके कर लीजिए। मैं फिलहाल यही सेट कर ले रहा हूँ, मेरा ये मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसका इतना होने के बाद अब हम लोग जाएंगे स्ट्रोक में। ये स्ट्रोक है। ठीक है, यहाँ से देखिए जो भी स्ट्रोक का ये कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये रखना चाह रहे हैं या फिर ये रखना चाह रहे हैं या फिर ब्लू रखना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके इच्छा अनुसार जितना जो भी कलर आप रखना चाह रहे हैं, देखिए रेड है, फिलहाल मुझे यही अच्छा लग रहा है तो ठीक है मैं यही कर दे रहा हूँ। उसके बाद ओके करेंगे। अभी देखिए यहाँ साइज है, ये साइज जो है यहाँ से आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल मुझे 15 16 ठीक है, अभी यहाँ से इनसाइड रहने दें, ये आउटसाइड रहने दें। ठीक है, अभी इतना होने के बाद अब हम जाएंगे बीवल एंड इम्बोस में। ये देखिए अभी इसका भी साइज आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए देखिए जहाँ भी आपको अच्छा लगे, ये जो है इसका डिप्ट जो है फुल करके रखेंगे हैं, और यहाँ साइज अपना घटा बढ़ाएंगे। जहाँ से आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जो आप करके छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी इतना होने के बाद अब जो है इसको ओके करेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद अब कंट्रोल जे करेंगे, यानी इसको डुप्लीकेट बनाएंगे। देखिए अब मूव टूल में जाएंगे, अब टी टूल में आएंगे, यहाँ हम लोग डब्ल्यू डब्ल्यू लिखेंगे। अभी देखिए ये हो गया। तो अभी हम लोग मूव टूल में गए, इसको सेट करेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको सेट करिए। ये देखिए
ये यहाँ आ गया। अब इसे दबा के ये जो मेरा हिस्सा है मैं इसको चिपकाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इधर एकदम करीब मिलाना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं सिर्फ दबा के इसको, सिर्फ दबा के जो है इसको यहाँ और इसको ऐसे जो है यहाँ कर लूँगा, ठीक है। अभी इतना होने के बाद फिर हम लोग जो है इसके बाद, इतना होने के बाद अब हम इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे सिर्फ दबा के। ये देखिए दोनों सिलेक्ट हो गया, अब कंट्रोल जी कर लेंगे यानी ग्रुप, फिर इसको करेंगे, फिर डब्लू को हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर एन को भी हम कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर ये डब्लू को हम लोग डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल जे। अब ये इसको डब्लू जो हम लोग एन के नीचे लाएंगे, ठीक है। अभी देखिए एक ऊपर एक नीचे, ये ऐसा बन के आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, अभी कंट्रोल दबा के यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए सिलेक्शन बनाएंगे, मतलब इतना होने के बाद अब लेयर मास्क लगा देंगे। अब कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे या फिर यहाँ जाके ब्रश टूल यहाँ से सेट करना है तो बी बी प्रेस करेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे आपको वाइट ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए इफेक्ट कौन सा निकल के आ रहा है, कैसा निकल के आ रहा है, ये देखिए। ये जो है ये निकल के आया, ठीक है। अभी यहाँ भी हम लोग कर दिए, ये भी कर दिए और यहाँ से भी कर दिए, ये नहीं सही लग रहा है। तो मैं इसको जो है कंट्रोल जेड करूँगा और ये सही है, इतना सही है। हाँ अभी इतना होने के बाद अब हम लोग बैकग्राउंड में कलर देंगे, बैकग्राउंड में जो है कलर देंगे। तो बैकग्राउंड को हम लोग लॉक खोल लेंगे, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ से भी ग्रेंडर ओवरले में जाना है, ग्रेंडियन ओवरले, ये देखिए यहाँ से ये पहले से मैं सेट करके रखा हूँ, तो आप भी अगर करना चाह रहे हैं देखिए मैं बता दे रहा हूँ, वो सेम टू सेम प्रोसेसर है। यहाँ जाएंगे जो कलर यहाँ से लगाएंगे वो आपको यहाँ से दिखेगा, देखिए देख रहे हैं। तो फिलहाल मैं बताने के लिए ऐसा कर रहा था तो मैं व्हाइट ले ले रहा हूँ, व्हाइट व्हाइट ठीक है। हाँ व्हाइट ठीक है और इधर ब्लैक ठीक है। तो अभी इसको देखिए ये ओके हो गया, अभी इतना हो गया, देखिए ये जो यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना होने के बाद हम लोग जो है इसको ओके कर देते हैं, फिर हम जो है इसमें जाएंगे इस टूल में, इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग टूल, इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के यहाँ एक सर्कल बनाएंगे, ये देखिए हो गया। इतना होने के बाद अभी हम कंट्रोल जे करेंगे, ये हो गया। अभी इस लेयर पे आके हम कंट्रोल टी करेंगे यानी इसको बराबर में करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ कर दिए। अभी देखिए
यहाँ करेंगे, देखिए कुछ आपको अंतर लग रहा होगा, देखिए जैसे फट रहा है ना, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए सही हो गया। तो अभी हमको आना है ये जो हम सर्कल बनाए थे इस पे, ठीक है। अभी इस पे आने के बाद हम लोग जो है इसको स्ट्रोक देना चाह रहे हैं या और थोड़ा बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें जो है डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए, और ये स्ट्रोक है, ये यहाँ से हम स्ट्रोक दे दिए, ठीक है। स्ट्रोक का अगर कलर आप चेंज करना चाह रहे थे, यहाँ चेंज कर दीजिए, देखिए ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये देखिए, मुझे तो और कोई नहीं पसंद है, ये सही लग रहा है, तो इस पे मैं ओके कर दूंगा, ठीक है। अभी इसको भी ओके कर देता हूँ, यहाँ से जो है आप आउटसाइड के बजाय इनसाइड कर लेंगे, इनसाइड हो गया, अभी ओके करेंगे। यहाँ से देखिए इसका भी साइज घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, ये देखिए इस तरह। तो मैं फिलहाल 15 रहने दे रहा हूँ, ये सही है इतना, अब इसको ओके करेंगे। अभी इसी लेयर पर रहते हुए कंट्रोल टी करेंगे, अभी देखिए ये थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, इतना, ये सही है, ठीक है। अभी मूव टूल पे जाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे, इसको जो है ये पूरा सेंटर में कर लेंगे, ये देखिए सेंटर में आ गया। अभी कंट्रोल डी सिलेक्शन, अब फिर हम लोग आ जाएंगे इस लेयर पे, सबसे ऊपर लेयर में, इसको भी हम लोग सेंटर में कर लेंगे, कंट्रोल ए, यहाँ देखिए यहाँ है, ठीक है। अभी इतना होने के बाद हम नीचे आएंगे, बैकग्राउंड को अपना हाइड कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल डी, फिर इसे हाइड कर देंगे, ये देखिए ये हो गया। अभी यहाँ से जो है आप जो है फाइल में जाएंगे, इसको सेव करें, इसको सेव करना है पीएनजी में, ठीक है। ये देखिए यहाँ आएंगे, इसको जो है हम लोग इसको पहले कोई नाम दे देंगे, मैं दे देता हूँ लोगो 3, LOGO, LOGO 3। अभी देखिए PNG में आप इसको, ये रहा PNG, इसमें सेव करेंगे तो आपको जो है ये कहीं पे लगाएंगे तो लग जाएगा, ठीक है। अभी आज की वीडियो में इतना ही, बस अब